हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब बड़े होंगे भाई, मज़े में होंगे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भाई कहा था कि हम इसकी कॉस्टिंग बताएंगे। एक तो ये लीवर प्रोटेक्टर हो गया आपका, और हैंड बार मिरर हो गए, और मोबाइल माउंट हो गया। तो भाई मुझे, मैं आपको बताऊँ, ये लीवर प्रोटेक्टर जो पड़ा है वो पड़ा है 550 का, और ये जो मिरर पड़े हैं मुझे, हैंड बार मिरर, ये 650 के पड़े हैं, और एक अपना ये मोबाइल माउंट, ये मुझे पड़ा है 250 का। टोटल लेबर चार्ज लगा के 200 लेबर चार्ज था, टोटल मेरी कॉस्टिंग आई है 1650 रुपये। अच्छा, अब इनके बेनिफिट्स गाइस, इनके बेनिफिट्स ये हैं, जो आपका लीवर प्रोटेक्टर होता है ना, लाइक आपकी गाड़ी स्टैंड पे से गिर जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है ये साइड पैनल और लीवर। तो ये सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा आपके लीवर को, फिर थोड़ा बहुत बचा सकता है साइड पैनल को, लेकिन क्रैश गार्ड लगाने पड़ते हैं, वो भी मैं अभी अपनी बाइक में लगवाऊंगा। और बाकी जो इसके स्टॉक मिरर आते हैं ना, वो उससे लुक ना बाइक का मैं दिखाता हूँ आपको, इतना अच्छा आता नहीं है, ये थोड़े क्लासी से लगते हैं। ये बंद है, अभी मैं खोलता हूँ इनको। ये थोड़ा लुक आता है थोड़ा क्लासी सा के हैंड बार मिरर लगाने के बाद। बाकी स्टॉक मिरर जो आते हैं वो मुझे पसंद नहीं आए, ना इस पर अच्छे लगते हैं। और बाकी मोबाइल माउंट तो आप सबको पता ही है, मोबाइल होल्डर किस चीज़ में यूज़ आता है। यहाँ पे अपना मोबाइल आपने लगा लिया और नेविगेशन खोल ली, आसानी से आप चलते चले गए जहाँ पे भी आपको जाना है। तो भाई ये है इन चीज़ों के बेनिफिट्स। भाई अभी तक का फाइनल लुक हमारा KTM का यही है, हमें रैपिंग भी करवानी है, काफ़ी चीज़ें करवानी है, क्रैश गार्ड लगवाना है, धीरे धीरे सब करवाते रहेंगे, जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे धीरे धीरे सब करवाते रहेंगे। बाकी ये लुक है अभी इसका प्रॉपर, इसका हैंडल और ब्रॉड हो गया, गलियों में निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन भाई सेफ्टी पहले, वो तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं क्यों नहीं, और अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में। मेरी संडे राइड है, इंडिपेंडेंस डे राइड है, तो नेक्स्ट व्लॉग उसका आएगा गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में।